कुछ समय पहले तक मार्वल का प्लान बहुत ही क्लियर कट हमारे सामने था कि ये पूरी की पूरी मल्टीवर्सल सागा है। इसका मेन विलन हमारे पोलार्ड भैया कैंग द कॉनकरर होंगे, जो अलग अलग पिक्चरों में अपनी अपीयरेंसेस को देंगे। इसकी पूरी काउंसिल को भी इन लोगों ने सेटअप कर दिया था। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी इन्फिनिटी वॉर की तरह काम करती, सीक्रेट वॉर्स एंड गेम की तरह। लेकिन अचानक ही जोनाथन मेजर ने कुछ ऐसा मेजर कांड किया कि अब मार्वल के किए कराए पे पानी फिर चुका है और मार्वल को नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं, जो कि एक बुरा ऑप्शन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ऐसे इंटरनेट पे घूमते घूमते मुझे एक थ्योरी मिली एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ, दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन क्योंकि मैं उससे पूरी तरह अग्री नहीं करता, तो मैंने सोचा कि आपसे इस पे बात कर ली जाए। तो सिट बैक, रिलैक्स, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूं कॉमिक बुक की एक ऐसी जर्नी पे जो आपको देगी वो सुख जो मिल तो सकता है आपको, लेकिन उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। माय पॉइंट बीइंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्वल का जो मेन विलन है, मतलब इस पूरी मल्टीवर्सल सागा का जो मेन विलन है, वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम नहीं बल्कि द मेकर हो सकता है। अब द मेकर कौन है अगर आप सोच रहे हो, तो फिर वही सिट बैक रिलैक्स, क्योंकि आने वाला है ढेर सारा ठोका पीटी कॉमिक बुक्स का ज्ञान। तो द मेकर बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला रीड रिचर्ड्स का एक ईविल वर्जन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कॉमिक बुक्स में हर एक कैरेक्टर के कई सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे प्रोबेबली द मेकर भी मार्वल के क्रिएटेड सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है, जो अल्टीमेट यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर को बिलोंग करता है। और इसकी स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है, हालांकि हमारे 616 वाले रीड रिचर्ड्स की तरह नहीं, काफी अलग तरीके से, जो कि पूरे के पूरे अल्टीमेट यूनिवर्स की ही कहानी है। लेकिन इसका जो भी टेक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये यंग था, ब्रिलियंट था, इसको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने ब्रिलियंट माइंड को कहीं भी खोने नहीं दिया। और फिर इसकी मुलाकात हुई सूजन स्टॉर्म के पिताजी से, क्योंकि इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लिया था जो टेलीपोर्टेशन पे काम कर सकती थी। और फिर उन्होंने उसको एक्सेस दी बैक्स्टर बिल्डिंग की, ताकि वो अपनी इसी टेक्नोलॉजी पे आगे भी काम कर सके। लेकिन अपनी इसी टेक्नोलॉजी को जब वो टेस्ट करने जाते हैं, तो फिर हो जाता है विस्फोट, और इसमें इसके और इसके चारों दोस्तों को पावर्स मिल जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मिलाकर चार, तो नहीं, इसको हटा करके चार, क्योंकि इसमें एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है विक्टर वॉन डैम। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो, तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम विक्टर वॉन डूम नहीं, विक्टर वॉन डैम है। और ये अपने एंटिक्स के थ्रू फैंटास्टिक फोर को क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके चीजें कुछ गड़बड़ होने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेटम नाम के एक इवेंट की, जिसमें मैग्नीटो क्या करता है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को शिफ्ट कर देता है, जिस वजह से अर्थ पे सुनामी आने लगती है। और इस पूरे इवेंट में अल्टीमेट यूनिवर्स के कई सारे सुपर हीरोज मर जाते हैं, और मैं छोटे मोटे सुपर हीरोज की बात नहीं कर रहा, वुल्वरीन, डेयर डेविल, और भी पता नहीं कितने बड़े बड़े सुपर हीरोज खत्म। और उसी इवेंट में मौत होती है सूजन के पिताजी फ्रैंकलिन स्टॉर्म की भी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हिल जाती है। और जब रीड उसको जाता है प्रपोज करने के लिए, तो फिर वो मना कर देती है साफ साफ एक झटके में। और इस चीज से रीड भाई हिल जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। तो वो बैक्स्टर बिल्डिंग से मूव आउट करते हैं अपने माँ बाप के घर पे, लेकिन क्योंकि माँ बाप के घर पे उनको खुशी नहीं मिलती, तो मजबूरी में वहां रहना तो शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन अचानक ही उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका पूरा घर ब्लू अप कर जाता है। और फिर वहां पर सारे के सारे अल्टीमेट्स जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन ना तो उनको रीड मिलते हैं, ना ही उनके माँ बाप। और फिर उसके कुछ दिन बाद बैक्स्टर बिल्डिंग पे एक एलियन क्रीचर का अटैक होता है। जब सूजन स्टॉर्म और नोवा उसको इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, तो दे फाइंड आउट कि उस अटैक को करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स था, जो कि उस अटैक में मरा नहीं। इनफैक्ट उस एलियन अटैक के अलावा अपने माँ बाप को मारने वाला और उनपे अटैक करवाने वाला भी वो खुद ही था, जो पूरी तरह से पगला चुका था। सो यू सी, रीड रिचर्ड्स जैसा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक रिजेक्शन की वजह से क्या हिल जाता है, इसीलिए रिजेक्शन नहीं, रिजेक्ट मत करना। तो अब सूजन स्टॉर्म इसको कन्फ्रंट करने जाती है, फिर इनकी लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वो नेगेटिव जोन में इसको ट्रैप कर देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि बस वो ट्रैप ही हुआ था। और वहां से शुरुआत होती है रीड रिचर्ड्स के अंत की, और ओरिजिन होता है मेकर नाम के एक विलन का, जो अपने ब्रेन को स्ट्रेच कर लेता है ताकि उसकी थिंकिंग और ब्रिलियंट जो कैपेबिलिटीज है वो इनहेंस हो सके। और फिर अपने खोपड़े पे एक हेलमेट लगा लेता है और बन जाता है मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़े विलन्स में से एक, जो कि काफी डेंजरस लेवल पे ऑपरेट करता है। मल्टीवर्स लेवल की बात कर रहा हूं ना। इसकी कहानी वैसे तो बहुत आगे तक ऑपरेट करती है। अल्टीमेट यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की ब्रेन सर्जरी करके उसको मरने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक इन्फिनिटी स्टोन तक था, लेकिन वो कहानी किसी और दिन के लिए। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कितना रूथलेस और क्रूअल हो सकता है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इसका काम सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक में भी काफी इम्पोर्टेंट था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे 616 का रीड रिचर्ड्स एक राफ्ट बनाता है ताकि वो इनकर्जन्स को एस्केप कर सके, वैसे ही ये वाला रीड रिचर्ड्स भी एक राफ्ट बनाता है थानोस और उसके कबाल को इंक्लूड करके,
ताकि इन इनकर्जन से बच सके और ये डॉक्टर डूम के क्रिएटेड बैटल वर्ल्ड पे पहुंच जाता है। लेकिन जब इसकी मुलाकात हमारे 616 वाले रीड रिचर्ड से होती है तो ये उसके साथ साथ कर लेता है डॉक्टर डूम को हराने के लिए। बट द मोमेंट दे रीच मॉलिक्यूल मैन, ये अपने लसन मैटिक पने पे उतर आता है क्योंकि मॉलिक्यूल मैन से उसकी पावर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मॉलिक्यूल मैन इस बात को रियलाइज करके उसको स्प्लिट कर देता है। तो इतनी सारी कहानी बताने के पीछे का मकसद ये था कि अगर मार्वल वाले चाहें तो इस कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से एमसीयू में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पेड्रो पास्कल के रीड से पहले कई सारे और दूसरे फैंटास्टिक फोर और रीड रिचर्ड्स देख चुके हैं। कौन से उससे तो सबसे पहले आई थी दो फैंटास्टिक फोर की मूवीज, उसमें इयान ग्रिफिड ने रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उनको वापस लेके आना वुड नॉट बी द राइट मूव क्योंकि वो काफी हैप्पी और जॉली टाइप का यूनिवर्स था। लेकिन दो यूनिवर्स और बचते हैं जिसमें से पहला आता है माइल्स टेलर और वो वाली फैंटास्टिक फोर मूवी जिसको देखने के बाद हर कोई अपने दिमाग से भुला देना चाहता है क्योंकि अगर आप उसको याद करने की कोशिश करोगे तो मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मार्वल वाले चाहें तो उस यूनिवर्स को एक बार फिर से लेकर के आ सकते हैं या फिर उसके रीड को तो लेके आ ही सकते हैं, मतलब माइल्स वाले रीड को एज मेकर बना करके। और माइल्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक नेगेटिव रोल में सूट भी कर जाए क्योंकि बंदा थोड़ी सी Evil vibes देता भी है। और जिस तरह से उस यूनिवर्स को क्रिएट किया था ऑल तो बहुत ज्यादा दिखाया नहीं क्योंकि पिक्चर एक गुफा में शुरू के वहीं खत्म भी हो गई, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसको दिखाया था तो दैट कैन बी अल्टीमेट। नहीं नहीं, लेकिन फिर आती है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी और वो है जॉन क्रासिंस्की का मिस्टर फैंटास्टिक। नाउ आई नो कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जॉन क्रासिंस्की का मिस्टर फैंटास्टिक पिक्चर में कहां से आ गया, उसकी तो वांडा ने सेवैया बना करके पट्ट से फोड़ दिया था। तो नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग कॉमिक बुक मूवीज की बात कर रहे हैं जहां पर परमानेंटली कोई भी नहीं मरता अंकल बेन और बैटमैन के मम्मी पापा को छोड़ के। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस दिखाया गया था, तो ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स में ये लोग रीड रिचर्ड्स को रिवाइव करें या फिर किसी फॉर्म में उसको जिंदा करने की कोशिश करें। एंड बिकॉज वो वांडा के मैजिक से करप्ट हो चुका था क्योंकि वांडा पूरी तरह से करप्टेड थी, तो ये बंदा सटक जाए, मतलब रिवाइव तो हो जाएगा लेकिन किसी फॉर्म में इतना ज्यादा करप्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कियोस मैजिक दैट शी वाज यूजिंग कि हम लोग जॉन क्रासिंस्की के मिस्टर फैंटास्टिक का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इनटू द मेकर। आई नो इट साउंड्स टू वाइल्ड टू बी ट्रू, लेकिन अगर मार्वल इस चीज को पुल ऑफ करने की कोशिश करता है तो देखने में मजा आएगा। और फिर करप्ट होने के बाद वो अपनी पूरी टीम को भड़काना शुरू करेगा कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, अपने सारे दोस्तों को मार दिया गया और हम इस बात का बदला लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको छोड़ दें। तो फिर हम लोग दो साइड में, एक तरफ पेड्रो पास्कल और उसके फैंटास्टिक फोर की टीम, हम लोग एमसीयू में ओरिजिन स्टोरी के फॉर्म में देखना शुरू करेंगे जो कि काफी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जॉन क्रासिंस्की, उसके फैंटास्टिक फोर, उसके इल्यूमिनाटी, जो कुछ भी बचे कुचे लोग हैं वो सब लोग पूरी तरह से करप्टेड हैं। और जब इस अर्थ का इनकर्जन होगा हमारी अर्थ के ऊपर तो हमें कंप्लीटली मिरर्ड इमेज देखने को मिलेगी जहां पर दो बिल्कुल ही ऑपोजिट पोल्स हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर आप सोच के देखते हो तो 838 यूनिवर्स को जिस पॉइंट पे वांडा छोड़ के गई थी और हम सब लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे छोड़ा था तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सा फील होता है। और अगर आगे उसे हम एमसीयू में नहीं देखते तो वो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। तो वो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमको आधी अधूरी चीज दिखा के छोड़ दिया और उसका क्लोजर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर हमें मेकर की दिखा करके उस स्टोरी का क्लोजर दे दिया जाता है विद एन इनकर्जन हैपनिंग एज वेल, तो इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मार्वल अपने वाले फैंटास्टिक फोर को भी सेटअप कर रहा होगा जो कुछ हैप्पी हैप्पी जॉली जॉली वाइब्स देंगे, लेकिन वहीं पर हमें दूसरे फैंटास्टिक फोर देखने को मिलते हैं जो उतने ही ज्यादा करप्टेड है बिकॉज ऑफ द मेकर। और जानते हैं उससे भी ज्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है, जॉन क्रासिंस्की का मेकर इस वाले पूरे इनकर्जन को सर्वाइव कर जाए, मतलब उसकी टीम करती है, उसकी फैमिली करती है नहीं, लेकिन जॉन क्रासिंस्की का मेकर उस इनकर्जन को सर्वाइव करके बैटल वर्ल्ड पे पहुंच जाए और डूम या फिर जो भी उस पूरे बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है उसे चैलेंज कर दे। ऑफकोर्स वो बैटल वर्ल्ड को क्रिएट नहीं करने वाला, ऑफकोर्स वो सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन नहीं होगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कभी बन ही नहीं पाया। लेकिन ना इस बहुत ही छोटे से मूव के थ्रू मार्वल वाले बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो देखने में इंटरेस्टिंग होंगी और हमारे दिमाग की बत्तियां गुल कर सकती हैं। प्लस अगर इनको उसे और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पे जाना है तो उसका इस्तेमाल करके ये कैंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप होल को भी खत्म कर सकते हैं और वो है काउंसिल ऑफ कैंग्स को। बिकॉज कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि जैसे काउंसिल ऑफ कैंग्स है ठीक वैसे ही काउंसिल ऑफ रीड्स भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये लोग चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ रीड्स को मेकर ने असेंबल किया है बिकॉज ही इज अ जीनियस, तो उसको पहले से ही इनकर्जन के बारे में पता चल गया, उसको पहले से ही कैंग्स के बारे में पता चल गया, काउंसिल ऑफ कैंग्स को उसने पहले ही पकड़ लिया एंड जितने भी रीड्स थे मतलब काउंसिल ऑफ रीड्स थी उन्होंने काउंसिल ऑफ कैंग्स पे हमला बोल के उनको
खत्म कर दिया। आई नो इट डज साउंड एंटी क्लाइमैक्टिक, लेकिन अगर मार्वल चाहे तो उस लूप होल को क्लोज कर सकता है। तो ऐसे में मार्वल कहीं ना कहीं रीड रिचर्ड्स को एक काफी अच्छी खासी स्पॉटलाइट दे देगा, जो आई थिंक वो एक्चुअली करना भी चाहते हैं, बिकॉज उन लोगों ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को रीनेम कर दिया है, फैंटास्टिक फोर की कास्ट को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अनाउंस किया, फिर फैंटास्टिक फोर उनकी 2025 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी की तरह सेटअप करी जा रही है। तो इट्स नीडलेस टू से कि वो मिस्टर फैंटास्टिक को आगे वाले एमसीयू के लिए आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका के रोल में देखते हैं, और अगर वो इस वाले टेक पे जाते हैं तो शायद हमें कुछ फ्रेश देखने को मिल जाए। पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोचने लगता हूँ कई बार, बट दिस इज व्हाट आई थिंक एटलीस्ट। लेकिन मोर ओवर दिस विल ऑल्सो सेट हिम अप एज ए प्रॉपर पॉजिटिव प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि उसके ईविल वर्जन को देखकर हमको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि नहीं भाई, अच्छा बंदा तो है, नहीं तो हरामीपने पे उतरा है तो फिर ऐसी हरकतें भी कर सकता था। और अगर आपने एक बार रीड रिचर्ड्स, फैंटास्टिक फोर, इन सारे कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, तो फिर आप डॉक्टर डूम के साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि फैंटास्टिक फोर डायरेक्टली कनेक्टेड है डॉक्टर डूम के साथ में। अब ये लोग मूवी में डॉक्टर डूम को कितना दिखाएंगे कितना नहीं, ये हमको नहीं पता, क्योंकि हम लोग पिछले रोस्ट वर्स में और उसके पुराने वाले वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं कि फैंटास्टिक फोर मूवी में एक्चुअली डॉक्टर डूम नहीं बल्कि लोग गैलेक्टस को एज द मेन विलन देख रहे हैं, विच एक्चुअली डज साउंड प्रॉमिसिंग, क्योंकि मेकर के रिडेम्पशन में भी गैलेक्टस का एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन वो कहानी भी किसी और दिन के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे वो पुराने वीडियो चेकआउट नहीं करे जिसमें मैंने सारी बातें करी है फैंटास्टिक फोर को लेकर, तो वो यहाँ कहीं पे फ्लैश हो रहे होंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। तो जहां से पहले कॉमिक वर्स से, मैं हूं मोहित, और क्रश से रिजेक्शन नहीं पाना तो वीडियो लाइक करो।